एक सप्ताह में ही बनी रोड उखड़ने लगी। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में 31 लाख निधि से 4 किलोमीटर बनी डामरीकरण मार्ग पर एक सप्ताह में ही उखड़ने लगी। बता दें कि ग्राम खमरिया नरखेड़ा मार्ग का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे द्वारा 30 जून को किया गया। यह मार्ग 4 किलोमीटर डामरीकरण लगभग 31 लाख रुपए की निधि से पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनवाई गई। यह मार्ग एक सप्ताह भी नहीं टिक पाई, जगह जगह से उखड़ने लगी है। ग्राम प्रधान गोपाल सिंह डोगरा ने बताया कि इस मार्ग का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराया गया है, ना कि विधायक व सांसद निधि से। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने इस मार्ग का लोकार्पण जिस दिन किया था, तब उससे पहले भी यह रोड उखड़ने लगी थी। गुणवत्ता सही ना होने के कारण यह मार्ग जल्दी ही उखड़ने लगे। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को इस मार्ग की गुणवत्ता की जानकारी दे दी गई है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। उद्घाटन के 3 दिन बाद टूटा, टूट तो ये पहले से ही रही है, बन तो ये 5-7 दिन पहले ही गई थी। उद्घाटन अब हुआ है और बनाया सब पीडब्ल्यूडी ने इसको, खाली मंत्री जी ने आगे इसका उद्घाटन किया है। इसमें ना तो निधि का कोई योगदान है, ना सांसद निधि का, ना विधायक निधि, कोई योगदान ही नहीं है इसमें। ये तो डिपार्टमेंट ने बनाई है और आकर के खाली नाम लेने के लिए इसका मुहूर्त उद्घाटन कर दिया गया। सड़क सारी टूटी पड़ी है जगह जगह से। अच्छा, इस रोड के ये बरसात नहीं झेल पाएगी भाई साहब, क्योंकि जिस हिसाब से ये बनी है, उस हिसाब से जहाँ जहाँ मॉइस्चर वाली जगह है, जहाँ भरान होकर के बननी चाहिए थी, वहाँ वैसी लिपापोती कर दी है, वैसी बना दी गई है, वो बैठ गई है, धस गई है जगह जगह। विकास के दावे किए जाते हैं क्या? विकास तो विकास के बारे में क्या कहें, विकास ही है जब गुणवत्ता नहीं है, मटेरियल की गुणवत्ता नहीं है, काम की को गुणवत्ता नहीं है, तो विकास तो खाली लिपापोती है सारी।